सो जी, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और फिलहाल जो ये दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये चाबियां हमारी बिलोंग करती है इस प्रोडक्ट को। अब ये क्या प्रोडक्ट है, किस तरीके से है, मुझे नहीं लगता कि ये इंट्रोडक्शन की मोहताज है। गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर इस गाड़ी का जो रुतबा है, जो चार्म है, अनबीटेबल है। मतलब ना इसके पास कोई है, जो आया था वो जा चुका है, जो है वो मतलब कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है दूर दूर तक भी। तो ये शानदार प्रोडक्ट जो कि फॉर्च्यूनर के नाम से इंडियन मार्केट में आता है, इसके आपको कई वेरियंट देखने के मिलते हैं, कई अवतार देखने के मिलते हैं। बट फिलहाल जो हमारे सामने खड़ी हुई है, ये डीजल का बेस मॉडल आप इसको कह सकते हो। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है और ये डीजल में और 4x2 है। अब 4x2 और 4x4 को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं। लाइक अगर ये 4x4 होगी तो पीछे आपको एक बैज मिल जाएगा सिग्मा 4 का, और अलॉय जो है वो थोड़े चेंज आपको मिलेंगे। और अगर 4x2 होगी तो ये कुछ इस तरीके के अलॉयज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी पेट्रोल और डीजल का वो अपना अपना मतलब चॉइस है, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अपना पेट्रोल के अंदर भी लोगे आप इसका बेस मॉडल तो कुछ इस तरीके के अलॉय ही आएंगे। और ये 4x4 सिर्फ आपको डीजल में ही देखने के लिए मिलेगा, पेट्रोल में 4x4 नहीं आता है। अगर आप डीजल मैनुअल प्लान कर रहे हो फॉर्च्यूनर के अंदर, तो इसकी प्राइसिंग आपको कॉस्ट करती है एक शोरूम 35.93 लाख रुपीज़ एक शोरूम। मतलब मोटा मोटा आप मान के चलो 36 लाख के आसपास ही आपको एक शोरूम कॉस्ट करेगी। और ऑन रोड कीमत की बात करें तो कहीं ना कहीं 42 लाख के आसपास ही आपको ऑन रोड पड़ती है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं चीज़ें अपना स्टेट टू स्टेट, और क्या कहते हैं ऑफर और डील्स पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अभी अगर आप इतना पैसा किसी गाड़ी के ऊपर डालना चाहते हो और आपको कुछ ऐसा चाहिए कि बताने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी भाई ये चीज़ महंगी ली है हमने और इसका रुतबा है कुछ मार्केट में, तो वहाँ पे फिर ये स्टैंड करती है गाड़ी। तो अभी अगर आप लेना चाह रहे हो तो इसमें चीज़ें क्या क्या मिल जाती हैं उसके हमें करके बातचीत करती हैं। काफ़ी रॉ चीज़ें आती हैं गाड़ी के अंदर और इतनी हार्ड कोर चीज़ें आती हैं, मतलब कहीं कुदाओ कहीं निकालो गाड़ी थकती नहीं है, हार नहीं मानती है। और यही इस गाड़ी का चार्म है सबसे बड़ा। सारी चीज़ें आपको बता दी, 4x2 वेरियंट है, डीजल मैनुअल और क्या क्या चीज़ें उनकी बात करते हैं। चाबी भी कुछ इस तरीके की आती है, यहाँ पे उसको लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आता है, मतलब आप यहीं से इसको खोल सकते हो। पीछे बटन वगैरह जो है वो सारी चीज़ें मिलती हैं, बट यहाँ से ये कूल सी चीज़ आपको मिल जाती है, तो ये आप यहाँ से थोड़ी देर होल्ड करके रखोगे तो बूट आपका इलेक्ट्रिक खुल जाएगा और बंद भी हो जाएगा। दोनों सेम चाबियाँ सेम कंट्रोल्स के साथ हैं, टोयोटा का लोगो यहाँ पे दिया गया है। अभी बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो डायमेंशंस देख लो पहले तो आप इसकी। ये आपकी स्क्रीन पे यहाँ शो कर दिए कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है, ये लिटरली बुल लगती है। मतलब ये कह लो कि एकदम प्रोफाइल जिस तरीके की होनी चाहिए ना, मुड़ के देखने वाली, वो बातचीत है इसके अंदर। फ्रंट से स्टार्ट करें, सिंगल प्रोजेक्ट यूनिट मिलती है जो कि आपको वाइट लाइट ऑफर करेगी और बहुत ही बेहतरीन थ्रो इनका है। ये इसकी DRLs हैं जो कि काफ़ी प्यारी लगती हैं। नीचे फॉग लैंप्स हैं, LED बेस हैं, अगेन यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। नीचे इंडिकेटर्स आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी एग्रेसिव सी यहाँ पे ग्रिल मिलती है। काफ़ी बड़ा सा टोयोटा का लोगो है, पूरी चीज़ें जो आप देख पा रहे हो सब ग्लॉसी ब्लैक है। ये चीज़ें थोड़ी सिल्वर फॉर्म में यहाँ पे दी गई हैं और गजब का इसका अप्रोच एंगल मिलता है। मतलब अगर आपको एक ऑफ रोडिंग पर्पज से भी कुछ ऐसा चाहिए ना ऑलराउंडर, तो भी ये गाड़ी आप ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि इतना पैसा डाल के भाई, थोड़ा ऐसे प्यार से रखना पड़ेगा, आप इसको रगड़ सकते हो गाड़ी को, ये हार नहीं मानेगी। मतलब कहीं पे भी लेके जा सकते हो आप। क्लैडिंग का रेशियो अच्छा खासा है गाड़ी के प्रोफाइल पे, बहुत ही प्यारी लगती है किसी भी कलर में आप देख लो। और हाँ, आप अपना फेवरेट कलर मुझे बताओ इस गाड़ी के ऊपर कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। साइड में आते हैं, टायर सेक्शन की बात करें तो ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टायर सेक्शन जो है वो है 265/65R17 17 इंच का कुछ ऐसा आएंगे यहाँ पे मशीन कट अलॉय, जहाँ पे आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही मिलती है। 2-5 mm की बहुत ही बेहतरीन सी ग्राउंड क्लियरेंस आती है। फुट रेस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बॉडी कलर ORVM इंडिकेटर्स के साथ हैं, प्लेन ग्लासेस हैं और यहाँ पे प्लस मैट ब्लैक हैं। क्रोम डोर हैंडल, दोनों ही साइड एक्वेस्ट सेंसर हैं। फ्रेम लाइन जो है इसके तो लोग दीवाने, मतलब जो ये चीज़ यहाँ से आके यहाँ ख़त्म होती इसके लोग दीवाने। रूफ रिल्स आती हैं, कोई सनरूफ वगैरह का ऑप्शन नहीं है गाड़ी के अंदर। और यहाँ से डलेगा डीजल और यही चीज़ है। पीछे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे डिस्क ब्रेक आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और इसकी साइड प्रोफाइल शानदार सी, काफ़ी बड़ा सा स्पॉइलर है। ये प्लर्स जो हैं ये ग्लॉसी ब्लैक दिए गए हैं। पीछे डिफॉगर वाइपर वॉशर सब कुछ आता है। क्रोम लाइन अगेन यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट है। टोयोटा का लोगो फॉर्च्यूनर यहाँ पे मेंशन है। LED टेल लैम्प्स आते हैं। पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, 1, 2, 3, चौथा वहाँ पे। रिवर्स कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है और जो स्पेयर व्हील है वो आएगा गाड़ी के यहाँ पे। ये इसके एक्स्ट्रा लैम्प्स वगैरह जो हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पे फॉर्च्यूनर मेंशन आप देख सकते हो क्रोम में। बूट की बात करें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक टेल गेट आएगा कुछ इस तरीके से। ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये लो, तो कुछ इस तरीके से खुल जाता है। चाबी से थोड़ी देर होल्ड करके रखोगे आप
और यहाँ पे बूट स्पेस वगैरह देख लो पहले, फिर बताऊँगा आपको सारी चीज़ें। डिसेंट सी बूट स्पेस हमें मिल जाती है ऑलमोस्ट 200-250 लीटर्स के आसपास की। ये थोड़ी क्लिप्स वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, ये 50-50 अपना स्प्लिट हो जाते हैं सीट्स। आप इनको ऐसे फोल्ड करके ऊपर की साइड हैंग भी कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीट्स मिलती हैं। और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, एकदम प्रॉपर जहाँ पे लाइट होनी चाहिए वहाँ पे इसकी एक लाइट भी मिल जाती है। ग्रैब हैंडल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, रूफ माउंटेड एसी वेंट्स हैं, अच्छा सा ग्लास एरिया है यहाँ पे। और अब इसको मैं बंद कर दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे एक बटन आती है जैसे एक बार आपको प्रेस करना है और ये बूट कुछ इस तरीके से बंद हो जाएगा। ये लो, तो चीज़ शानदार है, बढ़िया लगती है, कहीं पे भी आप खड़े हो खोल दो तो वो एक हवाबाजी सी हो जाती है थोड़ी। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। ड्राइवर साइड डोर से स्टार्ट करें तो हर डोर पैनल के अंदर आपको पहली चीज़ गजब का वेट फील होगा, जितनी बार आप लगाओगे खोलोगे। और जो हर बार गाड़ी के अंदर जाने का जो फील है ना, वो है इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। मतलब जितनी बार आप बैठोगे ना, आपको वो चीज़ फील होगी कि हाँ भाई कुछ तो हमने गजब की चीज़ ली, तो वो फील आनी चाहिए इतना पैसा डालने के बाद जो इस गाड़ी के अंदर है। डोर पैनल्स की बात करें तो ये सॉफ्ट टच आपको मिलता है पूरा, एक सिल्वर हाईलाइट है, क्रोम डोर लेवर, चारों पावर विंडोज हैं और चारों ये ऑटो मिलती है आपको, देख सकते हो यहाँ पे। ये डोर्स के लॉक हैं, विंडोज़ के लॉक हैं, ORMs के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं जिन्हें आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली स्पीकर है, बोतल होल्डर है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आपको आगे की दोनों सीट्स मिल जाती हैं। और ये लेदर वर्क आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, ब्लैक लेदर अपहोस्ट्री आती है, व्हाइट कलर की स्टिचिंग वगैरह यहाँ पे दी गई है। नीचे तीन पैडल्स हैं यहाँ पे, थोड़ी डेड पैडल के लिए जगह मिल जाती है। ये अपना फ्रंट पार्किंग सेंसर, उसको ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। ये अपना बूट को खोलने के लिए, रीजनरेशन के लिए यहाँ पे बटन दी गई है। और यहाँ पे बोनट खोलने के लेवर, फ्यूल खोलने के लेवर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आती है और ये कप होल्डर यहाँ पे है। और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि इस ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट जो है बहुत सही जगह पे की गई है, क्योंकि गाड़ी ऊंची काफ़ी ज़्यादा है और इस फुट रेस्ट पे चढ़ के आप इसको ज़रूर से पकड़ोगे और फिर आप इस तरीके से अंदर बैठोगे तो आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे ट्यूटे की प्लेसमेंट भी मिल जाती है सॉलिड। मतलब ये देखो बोनेट व्यू, क्या बताऊँ अब इस गाड़ी के बारे में आपको। इस तरीके का चार्म इस गाड़ी का है कि मतलब कोई जो बैठेगा ना इतना पैसा लेके जब निकलेगा मार्केट में, इस गाड़ी के अंदर बैठते फिर वही चीज़ निकलती है, भाई क्यों ना मैं इस गाड़ी को लूँ। बेशक से मैं बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, बट जो फील इस गाड़ी की है ना, कहीं पे बताओगे भी कि हाँ भाई फॉर्च्यूनर है हमारे पास, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि उस कंपनी की वो गाड़ी है, इस तरीके से आती है, इतनी बड़ी है साइज़ में, ऐसे ऐसे, बस ये बोल दो कि फॉर्च्यूनर है हमारे पास, उतने में ही काम चल जाएगा, कुछ और एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग भौकाल है इसका। तो इसको ऑन करके दिखा देता हूँ मैं। ये कुछ इस तरीके से इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आती है, एक बार प्रेस करते स्टीयरिंग व्हील अनलॉक हो चुका है, ये यहाँ पे ऑन हो जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम और थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही है सामने से, तो ये कुछ इस तरीके से है, ये ऑन हो चुका है। सेकेंड टाइम जब इसको ऑन कर देते हैं तो ये देख लो ये सब कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे ऑन हो जाता है, ये ब्लोवर्स वगैरह ऑन हो चुके हैं और यहाँ पे लाइट आ चुकी है क्लस्टर के अंदर भी, और यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंडर भाई। बाकी यहाँ पे बातचीत करें तो आप देख सकते हो 6000 तक की RPM है, 220 की टॉप स्पीड मार्किंग है, अंदर साइड एक ब्लू टेक्सचर आपको मिलेगा, ये देखो आपको शायद समझ में आ रहा हो, तो थोड़ा सा ब्लू टेक्सचर आपको मिलेगा। बीच में MID है कलरफुल सी, जहाँ पे गाड़ी चलती है जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मिलेंगी। ये लाइट्स वगैरह की जितनी भी चीज़ें हैं अभी तो शायद ये ऑटो पे हैं, तो इनको बंद कर देते हैं। जी हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से पता चल जाती हैं सारी चीज़ें और अच्छी लगती हैं। एनालॉग डायल्स हैं, पर्सनली मुझे तो पसंद है भाई, देखो किस किस को पसंद है मुझे बताना कमेंट्स में। डिजिटल से तो स्टिल आज भी लाख गुना बेहतर मुझे एनालॉग लगते हैं, एक अलग ही मतलब एक ओल्ड स्कूल जो चार्म होता है ना वो है इनके अंदर, तो ये मेरी प्रेफरेंस है। आप बताओ आपके हिसाब से मतलब एनालॉग बेस्ट है डिजिटल। बाकी यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे हेडलैम्प्स, इंडिकेटर्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो फुल्ली लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, ऊपर की साइड से थोड़ी सी वुडन फिनिश यहाँ पे मिल जाती है। ये अपने मीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ये इस MID के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ आपको यहाँ पे चीज़ें सेट करनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल का लीवर थोड़ा यूनिक अलग जगह पे आपको मिलता है, तो एक अलग से लीवर मिल जाता है, वो चीज़ है। थोड़ी सिल्वर हाईलाइट है, SRS एयरबैग यहाँ पे, रेजिंग आपको मिलती है, मतलब मेंशन किया गया है। यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस हैं जिन्हें आप इजीली एक हाथ से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये थी यहाँ की बातचीत। ऊपर से देखोगे तो थोड़ा सा लाइटर शेड में है पूरा हेडलाइनर, और अच्छा लगता है देखने में क्योंकि नीचे की जितनी भी थीम है ये ब्लैक है, तो बढ़िया बैलेंस रहती हैं चीज़ें, अच्छी लगती है देखने में। बाकी यहाँ पे वैनिटी मिरर है जो कि लाइट के साथ आपको मिलेगा और ये ऑटोमेटिकली जलेगी कुछ इस तरीके से, येलो कलर की लाइट है, इसको कर देते हैं बंद। और यहाँ पे एयरबैग मेंशन है, यहाँ पे व्हाइट लाइट मिलेंगी आपको कुछ इस तरीके से। सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट यहाँ पे है, इमरजेंसी बटन जो है वो दी गई है, ऑटो डिमिंग IRVM है, टिकट होल्डर की प्लेसमेंट है, और यहाँ पे भी वैनिटी
डिनर लाइट के साथ ही आपको मिल जाता है। डैशबोर्ड की बात करें तो देखो कुछ ज़्यादा चीज़ ऐसी चेंज हुई नहीं है, बट स्टिल काम चला देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें अच्छी लगती हैं और मज़ा आएगा। आप देखोगे आपका मतलब मेन फोकस रहेगा ये गाड़ी आपको जो खुशी प्रदान करेगी ना उसका कोई तोड़ नहीं है। आप बैठोगे इसको चलाओगे जो फील है ना इसका गड़गड़ाहट है वो एक अलग चार्म है इसका, तो लोग भूल जाते हैं फिर यहाँ पे कि भाई बहुत टाइम से अपडेट नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। बस फॉर्च्यूनर है हमारे पास और ऐसा नहीं है कि जिस नाम से बिकती है, प्रूव किया है इस गाड़ी ने अपने आप को इसलिए गाड़ी बिकती है, तो वो ऐसा वाला काम नहीं है कि भाई लक से चली है, एक लंबे टाइम से गाड़ी प्रूव करते आई है अपने आप को तो ये मार्केट के अंदर अपनी पकड़ बना पाई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्लॉक मिल जाती है, एसी वेंट्स हैं और यहाँ पे अपना ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले के साथ आएगा ये। यहाँ पे एसी के पूरे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, आगे की दोनों सीट जो है वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आती हैं। यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट है, एक टोगा चार्जिंग सॉकेट है, स्पेस है और यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 6 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर आपको मिलता है और ये एक क्रोम का छोटा सा चीज जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये ग्लॉसी पैनल्स यहाँ पे मिलते हैं, थोड़ा वुडन टेक्सचर जो है इनके ऊपर दिया गया है, पैटर्न कुछ इस तरीके के। यहाँ पे मोड्स आपको मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और ये IMT के लिए बटन है। और यहाँ पे आप देखोगे तो टेक्शन कंट्रोल की बटन है, थोड़ी स्पेस वगैरह यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी बकेट आपको मिलती है मैनुअल हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ, तो ये भी एक सॉलिड चीज़, एकदम बिल्कुल ओल्ड स्कूल टाइप चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें गाड़ी के अंदर नहीं डाली गई हैं। इस फॉर्च्यूनर को आप प्रेस करोगे तो ये ग्लो बॉक्स आप अपने एक्सेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, और ये भी फुल्ली लेदर रैप्ड है और इसको प्रेस करोगे तो ये नीचे वाला ग्लो बॉक्स आप एक्सेस कर सकते हो, इसके अंदर इल्यूमिनेशन भी आपको मिल जाती है। तो ये थी सारी चीज़ें, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। तो पीछे बैठने वाले के लिए क्या है चीज़ एक बार देख लेते हैं, बाकी यहाँ से कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। सो भी चले गाड़ी की रेयर सीट पे, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उनकी हम बातचीत करें। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको पता चलेगा, दरवाजा खोल देगा फॉर्च्यूनर के अंदर जा रहे हो, तो ये चीज़ हमें फॉर्च्यूनर मेंशन है। सिल्वर हाईलाइट है, क्रोम डोर लिवर है, यहाँ पे प्रॉपर ये सॉफ्ट टच लेदर दिया गया है, ग्लॉसी पैनल, ये ऑटो विंडो मिल जाती है आपको, स्पीकर है, बोतल होल्डर है और काफ़ी ऊँचा आप बैठते हो तो वो चीज़ भी एक अलग ही है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो इसको पकड़ के आपको अंदर चढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये लो जी, अभी सीट कर देता हूँ मैं बिल्कुल पीछे, ये लो, तो ये है और ये यहाँ से एडजस्ट हो जाती है, यहाँ से स्लाइड भी हो जाती है। तो अगर आप पीछे बैठ के ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हो तो आपको यहाँ डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रिक्लाइन हो जाती हैं सीटें। और यहाँ पे लेग रूम आप देख लो, 5'9" मेरी हाइट है और यहाँ पे थाई रूम में कोई इश्यू मुझे नहीं है। और यहाँ पे हेड रूम भी आप देख लो कितना है मेरे पास, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। 1, 2, 3, 4 पीछे वाली रो के लिए अलग से 4 AC वेंट जो हैं वो दिए गए हैं, रूफ माउंटेड हैं वो, और इनके कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रैब हैंडल्स आते हैं। ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं और ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं नहीं जिनके बारे में अगर मतलब ऐसे मैं करके बताऊं कि भाई ये आपको प्रॉब्लम देगी, इसका ये फ़ायदा, उसका ये फ़ायदा, ऐसा कुछ है नहीं। प्रैक्टिकल सारी चीज़ें मिल जाती हैं और जिस काम के लिए हैं वो काम ये अपना भरपूर तरीके से करती हैं, आपको इशू क्रिएट करके नहीं देंगी। बाकी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एडजस्टेड हेडरेस्ट आते हैं। पीछे सीट्स मिलती हैं आपको, बस वो ये 7 सीटर है, तो पीछे वाली सीट्स आप समझ सकते हो कि मतलब बच्चों बच्चों के लिए तो ठीक है, तो एक वो चीज़ है। अडल्ट अगर थोड़ी बहुत दूर ट्रैवल करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी पीछे वाली रो आपको पता ही 7 सीटर गाड़ी की कैसी होती है। यहाँ पे सीट बेल्ट वगैरह प्रॉपर मिल जाती हैं सभी के लिए और यहाँ पे एक ये 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है। नीचे ज़्यादा चीज़ें नहीं है, यहाँ पे हम्प ज़रूर है बट गाड़ी की चौड़ाई काफ़ी है तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं 3 बंदे। 60-40 का ऑप्शन है, यहाँ पे आर्मरेस्ट है कप होल्डर्स के साथ कुछ इस तरीके से। और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे हुक्स भी दिए गए कुछ इस तरीके से, अगर कुछ हैंग करना हो 3-3 किलो तक का तो आप दोनों सीट्स पे कर सकते हो, पॉकेट हैं दोनों ही सीट्स पे। तो ये हैं ओवरऑल सारी चीज़ें, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। अभी इस गाड़ी का शानदार सा डीजल इंजन मैं आपको दिखाता हूँ जिसकी गड़गड़ाहट सुनते ही लोग समझ जाएंगे कि हाँ भाई कुछ तो ज़बरदस्ती बड़ी सी मशीन आ रही है। वो इंजन दिखता कैसा है और उसकी पावर फिगर्स क्या है वो आपको बताता हूँ, बाकी यहाँ से कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। तो बात करें गाड़ी के शानदार से इंजन बे के बारे में, पहली चीज़ यहाँ पे आपको इंसुलेशन पैडिंग मिल जाती है जो कि एक अच्छी चीज़ है प्लस पॉइंट इसके लिए। इंजन की यहाँ पर बातचीत करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि आपको डेवलप करके देता है ऑलमोस्ट 201 BHP, 420 Nm का टॉर्क, 80 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है जिससे हम मान के चलो 10-12 के आसपास ही निकाल देगी, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है गाड़ी तो आपके ड्राइविंग पैटर्न पे चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करेंगी। बाकी ये है काफ़ी शानदार सा टोयोटा का इंजन और यहाँ से डलता है इस गाड़ी का
DEF, क्योंकि डीजल कार है तो इसके अंदर यूरिया डालना पता है आपको, अब मैंडेटरी है। तो अंदर की साइड से यहाँ से चलता है इसके अंदर डीजल, बाकी ये है आपके सामने इसके इंजन पे। इसको हम कर लेते हैं बंद और फिर मिलते हैं फटाफट से। तो ये थे आपके सामने 2024 टोयोटा फॉर्चुनर। ये इसका डीजल के अंदर आने वाला 4x2 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ बेस मॉडल था, आप कह सकते हो एक तरीके से कि डीजल के अंदर इसका बेस मॉडल है। क्या ख्याल है आपका इस प्रोडक्ट के बारे में, मुझे कमेंट्स बताना। अगर आपके पास हो 40-42 लाख रुपए तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, आप क्या रिकमेंड करोगे, इसकी तरफ जाओगे नहीं जाओगे वो बताना कॉमेंट्स में। बाकी कोई ओन करता है तो एक्सपीरियंस क्या है इस गाड़ी के साथ वो जरूर से शेयर करते हैं कॉमेंट में। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय।